हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे तो फिर के एक और बहुत ही ज़्यादा आलसी भरा दिन है। और रियली बताऊँ तो जब से मैं थोड़ी बीमार हो गई हूँ तब से बहुत ही ज़्यादा आलसी लगने लग गया है मुझे। और अब बस रोना का टाइम होने वाला है तो मैं जाऊँगी। तो देखते हैं आज दिन का शेड्यूल कैसे बनता है। और सुनीता शर्मा जी का 1K कम्प्लीट हो गया। सुनीता शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में आनंद राज जी का भी हो गया 1K कम्प्लीट। तो आनंद राज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग की वीडियो बहुत अच्छी थी, मैंने देखी थी। और ऐसे ही बना रहे और जब जल्दी 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो आप लोगों का और फटाफट इनकम शुरू हो जाए, सभी की मनोकामना इच्छा पूरी हो। सो मैं अब जा रही हूँ वहाँ पर लेने के लिए। और साथ ही साथ पूरा भी पिकनिक के लिए जाना है तो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलूँगी आज। सवा 1 बजे से 1:30 बजे तक मैं निकल जाऊँगी, तब तक करते वो करते टाइम भी हो जाएगा। आज अमायरा को छोड़ने कैसा है अमायरा का देखते हैं। मूड खराब है। ये का ऑफिस है। क्या हो गया अमायरा को? जान बाय अम्मू। मैंने ये एक कटोरी है और दो कटोरी है। हाँ, पहले तो 9 बजे का हो गया था ना ठंडियों में, अब पौने 8 का हो गया फिर दोबारा। ये एक छोटा कटोरी और ये क्या था, ये दो है ना, ये रहा, ये दो कटोरी है और तीन थाली, तीन प्लेट है ना, तीन कटोरी। हाँ, ये तो मैंने ले ली। तू बोल पागल, चलो भाई हमने रौनक को ले लिया, अब जा रहे हैं घर। ये है और पूजा का सामान भी ले लिया है मैंने। तो रौनक के हाथ में कैमरा है, अब ये नहीं पता कि ये कैसे क्या कर रहा है। अरे वाह वाह, देख लीजिए हमारे यहाँ का सीन भी। चलो आज का दिन वैसे कैसा रहा रौनक? आज वैभव क्यों बोल रहा था कल स्कूल आने के लिए? क्या है कल? का बर्थडे। किसका? वैभव का। ओह तभी, चलो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे हम लोग। आप परसों लेके जाना ना, क्या नाम है, वैभव के लिए गिफ्ट है ना? परसों छुट्टी है। ओह सॉरी, परसों छुट्टी है? किस चीज़ की? परसों छुट्टी है, सैटरडे कुछ है। अच्छा, कुछ सेकंड सैटरडे तो है नहीं, अब एग्जाम की छुट्टी है। अब मंडे से एग्जाम है, फाइनल पेपर है। हाँ, फिर हम जाएंगे अपने घर नेपाल। जैसे वो खत्म होंगे ना, जैसे कंप्यूटर का पेपर, उसके बाद फर्स्ट मार्क होगा मैथ का पेपर। तो डेट शीट तो है ना? डेट शीट तो पता है मुझे, टाइम नहीं पता चला कितने बजे से, टाइम उसमें है ही नहीं कितने बजे से आपका पेपर है। फर्स्ट मार्च से शुरू। सुबह 7:45 बजे का तो पेपर हो ही नहीं सकता, या तो 9-10 बजे का ही है, या तो कितने बजे से है। पूजा का सामान भी मैंने ले लिया है, अब थोड़ा बहुत बचा कुचा है सामान, वो हम लेंगे शाम को। जैसे पान का पत्ता हो गया, फूल हो गए। ओ यार, पापी को दिखाओ, पापी को खाने को। अरे अगर इनको छेड़ दिया ना तो इसकी मम्मी ऐसा भगाएगी ना, फिर चुन चुन के बदला लेंगी फिर हमसे आंटी जी। इसका मतलब आज मेरे बेटे का कैसा गया पेपर रौनक ने, इसका मतलब अच्छा नहीं किया। 6 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है कि आपने कम से कम 20-30 नंबर छोड़े। तो वेडिंग मैथ्स का? अच्छा, भावना मैम से मिला आज? क्यों? भावना मैम ने मैसेज किया है कि फीस सारे क्या बोलते हैं, जमा हो जानी चाहिए और डिपॉजिट फीस, उसके बाद में मैम को स्क्रीनशॉट भेजना है। अरे बाबा रे, अब तो हो गया, अब मैं 7th क्लास का पूरा जो भी था पेपर था। 22 को हुआ फोटोशूट। 22 को क्या फोटोशूट? हाँ। किस चीज़ के लिए? क्या चीज़ का कार्ड है ये?
मन चाहा प्यार, ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या ऐड आया है, मन चाहा प्यार प्रेम, दूर करना, अरे यार लाइट जला लो, कितना ओ सीढ़ी में अंधेरा है, अच्छा नहीं है नहीं है, चलो 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 कोई नहीं चलो, अबे मॉन्की आ जा, अब मेरे हाथ में सामान है, कम ऑन बेबी, अमायरा भी आ गई है स्कूल से, आती है वो भी धीरे धीरे हल्ला कर करके आती है, नानी 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 बोल बोल के आती है। तो गाइस फाइनली घर आ गए हम लोग, डोर लॉक लॉक कर, और मेरा बेटा थक गया है काफी ज्यादा, तो चलिए दिखाते हैं क्या हुआ, चलो बैग है, इसका बैग ना बहुत ज्यादा भारी है, इससे ज्यादा तो इसका बैग है भारी, और पता नहीं फाइनल पेपर शुरू होने वाले, इतना सारा पता नहीं क्यों लेके जाता है बुक्स वगैरह भी, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं पूजा का सामान, ले ये फिर से लॉक नहीं हुआ शायद, तो कोई बात नहीं, मानक अपना ड्रेस चेंज कर रहा है एंड तब तक फर्स्ट ऑफ ऑल नारियल, हवन सामग्री कुछ लाइए, और ये मंगलमय धूप, कपूर, और क्या बोलते हैं इसको, रोली, शायद रोली बोलते हैं जो लाल टीका लगाते हैं, मुझे इतना अच्छे से नाम नहीं आता, और ये लाल कपड़ा है, अच्छा चावल भी है, और ये थोड़ा सा चावल है पूजा के लिए, यार बताते हैं घर पे तो था ये, मैच बॉक्स, माचिस, ये हाथ में बांधने वाला कलावा, लॉन्ग, और उसके बाद यहाँ पे आम का लकड़ी, आम की लकड़ी, और मुझे यहाँ पे कटोरी लाने के लिए बोला गया था, तो मैंने यहाँ पे कटोरी लिया है थोड़े बड़े बड़े, और एक कटोरी बोला था छोटा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, एक छोटा बोला था या दो बड़े बड़े बोले थे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं दो बड़े बड़े ले आई ताकि मतलब अगर कुछ होगा तो, ये है हटो ना, अरे अरे चश्मिश, और ये तीन थाली, ये तीन थाली बोला हुआ था, तो घर पे था लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं यार पूजा है तो थोड़ा स्विच वाला होना चाहिए, और ये मैंने लिया है तसला, तसला ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे घर में, लेकिन वो बहुत छोटा था, मुझे चाहिए था थोड़ा बड़ा, और मेरा घर छोटा है तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकती क्योंकि कहीं आग बहुत ज़्यादा ना हो, तो मैंने इतना ही छोटा लिया हुआ है, बाकी कल पंडित जी बताएंगे, तो इसको मैं रख देती हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ, बिल्कुल कहाँ रखे वैसे, टीवी के बगल में रख देती हूँ, वहीं स्पेस है, मंदिर का सामान है, कोई हाथ वाथ ना लगे, रंबा हो, तो ये तो हो गया सारा हवन की सामग्री, टोटली आ चुका है फाइनली यहाँ पे, अब यहाँ पे रौनक महाराज जी देखिए पूरा कपड़ा फैला कर गया हुआ है, अब मैं करती हूँ इसको समेटती हूँ, ये लड़का कुछ काम नहीं करता, कुछ भी नहीं, आपने कपड़े पहने हुए हैं, नंगू बैठे हो, नंगू बैठे हो, ये लो नंगू बैठा हुआ है, तो गाइस काफी काम निपट गया आज मेरा, और फाइनली जो मैंने सोचा था वो कल पूजा हो रही है, यार ये कौन करता है कपड़ा खोल के ऐसे कौन फेंकता है, बदतमीज कहीं का, तुझे ना मैं पीट दूंगी सच में, तो
छोटे मोटे काम तो खैर निपट गए हैं और रौनक और मैं भी स्कूल से आ चुके हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, कल आएगा पूरा पूजा का। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वैसे तो वीडियो भी बहुत सारी बननी है, खाना पीना बनाना है, सब कुछ करना ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं कल। और अभी मिलते हैं शाम को 5 बजे लाइव प्रमोशन पर, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।